chapter 10, last chapter, story. स्टोरी हिंदी में कहानी बोलता है, उड़िया में क्या बोलता है? क्या होता है स्टोरी? अभी मन बोला गपो, हाँ क्या होता है स्टोरी? कुछ 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 लोग जिनिस बोलो बोलो सिक्कने जिनिस और राजा के विषय में ही होता है हमेशा पशु पक्षी पशु पक्षी पशु पक्षी के बारे में होता है, राजा के बारे में होता है, और किसके बारे में? रूरल हाँ रूरल सिटी के बारे में नहीं हो सकता। तो क्या है मीनिंग? किसी भी चीज के बारे में हो सकता है स्टोरी, है ना? जो भी आप बोल रहे हैं, अरे भाई इतना बहुत लाइट है, ये तो थोड़ा इंसाइट करता है। तो किसी भी चीज के बारे में हो सकता है स्टोरी, है ना? ठीक है। तो जो सब आप लोग बोल रहा है सही बोल रहा है। स्टोरी किस चीज के बारे में हो सकता है? जगह आपने बोला है, रूरल गांव के बारे में हो सकता है, सिटी के बारे में हो सकता है, राजा के बारे में हो सकता है, गरीब आदमी के बारे में हो सकता है, एनिमल के बारे में हो सकता है, ठीक है। तो स्टोरी है क्या, है ना? थोड़ा और सोचो क्या है स्टोरी, इसका अगर संज्ञा देना है क्या हो सकता है स्टोरी? मनोरंजन के लिए, ठीक है। एक काम मनोरंजन, और क्या करता है स्टोरी? इमेजिनेशन से। लेकिन सच कहानी भी होता है, स्टोरी भी होता है। और ठीक है, मनोरंजन एकदम बिल्कुल सही बोला है, एकदम एजुकेशन भी होता है। वेरी गुड वेरी गुड। मनोरंजन यानी जब हमारे पास टीवी फिल्म ये सब किताबें नहीं था, तो स्टोरी टेलिंग हमारा एक सबसे पुराना मनोरंजन का एक माध्यम था ना। अभी भी जैसे गाँव में नाना नानी ये लोग कहानी सुनाता है ना, जैसे आप लोग क्या, वो जो शर्पानी के साथ जो बना रहा है एक बुक, स्टोरीज ही है ना वो। तो स्टोरी का एक बहुत सिंपल सा संज्ञा देता है आपको कि एक रिपोर्ट होता है वो। अरे क्या हुआ, ठीक है बंद कर देते हैं। सो स्टोरी इज अ रिपोर्ट, एक इवेंट्स को क्या बोलते हैं, घटना घटना। हाँ हाँ, तो अलग अलग घटनाएं जो एक दूसरे से रिलेटेड है उनका सीक्वेंस, समझ रहे हैं? जैसे कि एक लड़का था, उसको स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था, तो वो स्कूल नहीं गया। बहुत सिंपल स्टोरी। क्या था कैरेक्टर? एक लड़का, स्टोरी क्या है? उसको स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता है, तो वो स्कूल नहीं गया, घर पे बैठ गया, ठीक है। तो ये भी एक तरह से स्टोरी है ना। तो क्या है, अलग अलग घटनाएं जिसको एक टाइम सीक्वेंस बोलते हैं ना, यानी क्रम, एक है ना डे, यानी पहले यहाँ था, फिर यहाँ था, यहाँ था, या फिर लड़का था वो स्कूल गया, उसके बाद ये हुआ, फिर ये हुआ। तो यही एक स्टोरी होता है। इसको आप शब्दों में बता सकता है, या फिर क्या फोटो में भी बता सकता है ना। एक लड़का है ऐसे, उसके बाद धीरे धीरे नेक्स्ट, जैसे कॉमिक्स होता है, कॉमिक्स देखता है ना, तो उसके बाद वो धीरे धीरे गया स्कूल, यहाँ पर है ये स्कूल है SCOOL, तो बेसिकली क्या हुआ, इसको उड़िया में अपने शब्दों में आप बताइए क्या क्या हुआ स्टोरी। कि अलग अलग घटनाएं जो एक दूसरे से रिलेटेड है, तो उनका और जो एक सीक्वेंस में चलता है टाइम में, कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, वो कहानी हुआ है ना, उसको आप शब्दों में बता सकता है और फोटोज में बता सकता है ना, इवन म्यूजिक में भी बता सकता है ना, कहानी है, डांस में भी बता सकता है। वेरी गुड, हाँ एग्जैक्टली, डांस में भी बताता है, जैसे हम पिछले बार देखा था है ना वो वीडियोस ना। तो अलग अलग कहानी होता है, जैसे कुछ आपने बोला कि इमेजिनेशन से होता है, कुछ होता है एक्टिंग, लाइक सच कहानियां भी होता है ना, जैसे जर्नलिज्म न्यूज में जो कहानी आता है वो सच पे होता है।
उसके बाद अलग अलग क्या है, कुछ कहानियां पोएट्री होता है, कविता के रूप में होता है, कुछ कहानी नॉर्मल प्रोज के उसमें होता है। प्रोज को क्या बोलता है, पोएट्री, कविता होता है, दूसरा उसको क्या बोलता है, गद्य। गद्य, कुछ कहानियां गद्य में होता है, कुछ फिल्म के रूप में बताता है। तो ये सब एक तरह से कहानी बता रहा है ना, घटनाओं को, जो जुड़ी हुई घटनाओं को एक सीक्वेंस होता है उसके बारे में बता रहा है, वो कहानी है। ठीक, रेडियो, टेलीविजन, फोटोग्राफी भी कहानी बताता है ना, एक दो फोटो, चाहे एक फोटो भी आपको, कोई भी फोटो आप देखता है वो भी उसके बारे में, यानी जरूरी नहीं है कि वो बहुत सारा फोटो होना चाहिए। ये मान लो बस एक फोटो है, इससे भी आप कुछ कुछ इस फोटो के बारे में, जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे कुछ नदी चल रहा है, पहाड़ है, ये फोटो भी आपको बस एक ही फोटो कुछ बता रहा है ना, आप देख सकते हैं कि क्या है, सेटिंग बता सकते हैं कि नदी है तो यानी क्या है, कहीं गांव के साइड में है, पहाड़ है, लड़का है, कुछ कुछ कहानी बता रहा है। ठीक, वो हम कहानियां बहुत टाइम से बना रहे कहानी, क्योंकि जैसे हम क्या बता रहे, इंसान का क्या है, क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी क्या होता, क्रिएटिविटी याद है, क्रिएटिविटी का मतलब जिसे हम कुछ नया सोचते हैं, बनाते हैं ना, तो बहुत टाइम से हम लोग इंसान कहानियां बना रहा है। ठीक, सबसे पहले हम कहानियां, अभी जैसे हम फिल्में बनाते हैं, टेलीविजन के लिए कहानी बनाता है, लिखता है, बुक्स लिखता है, पहले कहानियां हम कैसे बना देते हैं, लिखने से भी पहले, लिखने से भी पहले, लिखना भी बाद में है, कहानी तो हम पहले बनाते हैं ना, लिखना तो बाद में है, तो तब कैसे कहानियां बनाते हैं, बोल के, एग्जैक्टली, ओरल है ना, उसको बोलता है ओरल स्टोरी, ओरल यानी जो मुंह से बोलता है ना। जैसे आप लोग भी जो कुछ कुछ कहानियां मुझे बताए गए, जो उस बुक में आप लोग डाल रहे जाना जाना, कुछ कुछ कहानियां आप लोग अपने गांव से लाए हैं, वो आपको कहीं पढ़ा नहीं होगा शायद आपने ना, किसी नाना या किसी ग्रैंड पेरेंट्स ने या किसी मदर ने बताया होगा आपको, है ना। तो सबसे पहले कहानी बिफोर रिटन, ये सबसे पहले ओरल स्टोरीज है ना। क्या होता था, जैसे कि मान लो मेरा ग्रैंड फादर है, उनका ग्रैंड फादर है, उन्होंने उनको एक कहानी बताया, उसके बाद फिर उन्होंने अपने बच्चे को बताया, फिर उन्होंने अपने बच्चे को बताया और फाइनली मेरे पास आया है ना। तो इसको ओरल ट्रेडिशन, और इसीलिए आप लोग जो अभी जो बुक बना रहे, एक तरह से इसलिए ये सब बुक बनाना जरूरी है, क्योंकि जो आपका जो उड़ीसा का जो पुराना ओरिजिनल स्टोरीज है, कलेक्शन है, नहीं तो धीरे धीरे वो स्टोरीज क्या होगा, लुप्त हो जाएगा, तो इसलिए ये सब जरूरी है। ठीक है, जैसे और ये हर कल्चर, इजिप्ट में एंशियंट इजिप्ट, एंशियंट मेसोपोटामिया, इंडिया, चाइना, ग्रीस, हर जगह शुरुआत यहीं से हुई है ना, क्योंकि 2-3 हजार पहले तो हम लोग लिखता नहीं था, 4-5 हजार साल पहले हम लोग लिखता नहीं था, यहीं से ऐसे शुरू हुआ है। जो भी हम वेद, महाभारत, रामायण का बात करते हैं, वो सब ओरल ट्रेडिशन से शुरू हुआ है, यानी वो कहानियां गुरु अपना शिष्य को पूरा सुनाता था और वो लोग याद करता था धीरे धीरे। फिर जब हम लोग लिखने लग गया, पत्ते पे लिखने लग गया है ना, लीफ पे लिखता है ना, पाम लीफ ये सब पे, तब फिर उसको हमने प्रॉपर टेक्स्ट बन गया, लिखने लग गया। लेकिन उससे पहले वही गुरु जैसे अपना शिष्य को बताता है, वो फिर अपना उसको चेन में कई हजारों साल से, जैसे यहाँ पर एक आदमी है, फिर वो अपना स्टूडेंट को बता रहा है, उसका स्टूडेंट पूरा याद करके फिर अपना स्टूडेंट को बता रहा है, ऐसे करके चल रहा है। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, हम लोग लिखने लग गया, तो अभी क्या हो गया, बस एक 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 लोग जा रहा है, अब लिख रहा है तो हो सकता है 2-3 लोग एक बारी में इसको पढ़ सकता है। लिखने का फायदा क्या हुआ कि रिकॉर्ड रहता है ना, याद करने का जरूरत नहीं है। सोच रहा है यानी महाभारत बहुत मोटा किताब है, ये लोग उसको पूरा याद करता था है ना, अभी अब लिख सकता है तो याद करने का जरूरत नहीं है ना, वो ऐसे से अभी। वैसे एक थोड़ा फैक्ट एंड फिक्शन का बात करता है, फैक्ट हाँ एंड फिक्शन क्या हुआ, ये फैक्ट सत्य है ना, कोई चीज जो भी, जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि ग्राम विकास स्कूल इज लोकेटेड इन कांकिया, क्या है ये फैक्ट है, कांकिया में है ये स्कूल, ठीक है। अब फिक्शन थोड़ा ट्रिकी है, फिक्शन का मतलब झूठ नहीं है, ठीक है। जो फिक्शन, जैसे जो कहानी आप पढ़ता है, खासकर जो नॉवल ये सब पढ़ता है, जैसे प्रेमचंद का कुछ कहानी पढ़ा आप लोग,
गोदान ये सब इसका कुछ हाँ जो भी है। तो फिक्शन का मतलब बस झूठ नहीं है। फिक्शन क्या करता है, जैसे कि अब अगर मेरे को आप सबका कहानी बताना है किसी को, ठीक है, स्कूल का कहानी बताना है बाहर के लोगों को जो कभी उड़ीसा नहीं आया, उनका उनको मैं ये कहानी बताना चाहता है, तो फैक्ट अगर लेना है तो मुझे 500 बच्चों का कहानी बताना पड़ेगा कि हाँ एक लड़का हरी है उसका ये स्टोरी है, उसका ये स्टोरी है, एक लड़का विरांची है उसका ये स्टोरी है, तो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके जगह मैं क्या कर सकता है कि जो भी जैसे जो मैं फाइनली एक बच्चों आप लोगों का कहानी बताना चाहता है किसी को, तो सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ले सकता है। हरी के कहानी से मैं ले सकता है कि हरी का गांव कहाँ है, क्या गांव है, चिने भोरा, चिने चीना पोहरा, चीना पोहरा, तो बोल सकता है कि एक लड़का है ग्राम विकास स्कूल का, उसका गांव चीना पोहरा से है, ठीक। उसके बाद फिर किसी और का स्टोरी में लेता है कि हाँ आकाश आपके फादर क्या करते हैं, फार्मर है, ठीक है, और कितना भाई बहन है, एक भाई है, ठीक है, तो उसका एक भाई है। उसके बाद ऐसी अलग अलग करके बहुत लोगों से मैं डिटेल्स लेके बस एक ही लड़के का कहानी बताएगा, लेकिन वो पूरे स्कूल का एक आइडिया बता देगा, है ना। जरूरी नहीं है मैं कि हर एक का कहानी एक एक करके बताए, समझ रहे ना। उससे अच्छा मैं बस एक ही कैरेक्टर बना के जिसमें सबसे थोड़ा थोड़ा लेके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की और स्कूल के बारे में बता सकते हैं कि हाँ वो लड़का स्पोर्ट्स में अच्छा है या फिर ये है। तो नॉवल भी यही करता है ना, जो आप कहानी पढ़ता है वो हर एक के बारे में, अगर जैसे इंडिया के बारे में आप कहानी बता रहे हैं इंडिया के लोगों के बारे में, तो एक एक इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, हाँ 1 बिलियन से ज्यादा है, तो एक एक के बारे में नहीं बताएगा ना। तो क्या करता है इंडिया का, जैसे कुछ एक नॉवल लिख रहा है, जो नॉवल समझता है ना, जो बुक होता है नॉवल, तो उसमें से कुछ 10-20 कैरेक्टर लेता है जिसमें कुछ कुछ आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ले लेता है कि इंडिया, उससे आप ये दिखाना चाहते हैं इंडिया का लोग इस तरह का है कि ये लोग ये करता है, ये खाता है, वो खाता है, तो जरूरी नहीं वो सच है। जैसे जो मैं आप सबका कहानी लेके बता रहा है, शायद जो अलग अलग डिटेल्स लेके, शायद असल में कोई भी एक ऐसा लड़का नहीं है, उसका नाम मैं रख देता है कि मोहम्मद, मोहम्मद नाम का कोई यहाँ पे आई थिंक स्कूल में लड़का नहीं है ना, तो या फिर जो भी, तो उसका ऐसा में असल में कोई वैसा लड़का नहीं है, लेकिन हाँ असल में कोई ऐसा लड़का नहीं है, लेकिन उस लड़के के माध्यम से दिल्ली में बैठा आदमी समझ जाएगा कि कांग्या स्कूल में किस तरह का लड़का है ना, तो वो फिक्शन का काम है, सच नहीं है, लेकिन एक तरह से सबका सच है एक तरह, है ना, ठीक है। अच्छा ये ओरल ट्रेडिशन का एक बात करते हैं, एक छोटा सा गेम खेल रहा है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि महाभारत ये सब पहले क्या होता था, मैं इसको बता रहा हूँ, मान लो ये मेरा स्टूडेंट है, मैं इसको बता रहा है, उसके बाद विरांची इसका स्टूडेंट है, ये इसको बता रहा है, फिर ऐसे से करते करते अब ऐसे में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं क्या प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा थोड़ा दूर हो जाओ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस ना,
इससे आपका कम्युनिकेशन देखता है कि यानी ये कहानी जो अभी दिया वापस यही आता है कि कुछ और ही बदल के आ जाता है। ठीक है जेव हो गया, चलो बस एक ही बार होगा, चलो Who is Vishwajit? Sir, you don't know. Sir.
दसम सेंटेंस हाँ और वन मोर सेंटेंस सेकंड हैंड तो हमारा जो आइडेंटिटी भी है ना असल में क्या है विश्वजीत अभी एक लड़का है जो यहाँ बैठा है लेकिन इसका आइडेंटिटी कहाँ से आ रहा है इसका जो पूरा स्टोरी एक तरह से जीवन लाइफ स्टोरी ही आइडेंटिटी बनाता है ना इसने क्या बोला एक पिल्ला है दसम क्लास और कालाहांडी से अब अगर मैं इसको बोलेगा और अपना स्टोरी बताओ तो ये काफी कुछ बता सकता है कि कालाहांडी इस गांव से है पेरेंट्स ये है ये है ये है वैसे ही मेरा भी आइडेंटिटी जो है नहीं तो क्या है मैं बस एक आदमी है जो आपके सामने खड़ा है लेकिन अगर मैं अपना आइडेंटिटी स्टोरी स्टोरी ही बता सकता है ना जो फिर याद करता है मेमोरी मेमोरी याद किया हम इन सब पे पहले भी बात किया है मेमोरी से अपना आइडेंटिटी बनाता है कि हिमाचल से है ये काम किया है इस स्कूल में पढ़ता था बचपन में ये सीखा जर्नलिज्म काम किया है ये कहानी किया है ये किताब लिखा है ये सब किया है ना तो इसी के चलते पूरा जो आइडेंटिटी ईशान मारोल जो है इस कहानी से बना है ना एक तरह से जो मैं जिया है लाइफ स्टोरी तो ये भी एक तरह से ये भी स्टोरी है ना जो हमारा जो पहचान है एक तरह से एक कहानी है ना समझ रहे नहीं समझ गया हाँ हो गया ठीक है इवन जो हमारा मेमोरीज जो है एक तरह से मेमोरीज क्या है स्टोरीज है ना मेमोरीज है ना गांव का आप याद मेरे को बताओ कोई स्टोरी मेमोरी जो आपको याद है वो क्या है आप कहानी बता रहे हैं कैसे तो ये सब मैं आपको बता रहे कि कहानी बस वो नहीं है जो आप किताब में पढ़ता है या फिर है ना इवन हमारा जीवन भी एक कहानी ही है और इस कहानी को आप कैसे बढ़ाता है चूज करता है ना जैसे कोई कहानी पढ़ता है क्या होता है जो हीरो होता है एक रास्ते में पहुंचता है दो रास्ता जा रहा है तो वो चूज करता है लेफ्ट जाए राइट जाए राइट में हो सकता है उसको हीरोइन मिलता है और लेफ्ट में विलेन मिल जाता है ना लाइफ में भी यही है ना लाइफ स्टोरी आप क्या पाथ लेता है ना ये अभी पढ़ाई करना है या फिर अभी स्पोर्ट्स खेलना है या फिर अभी सोना है ये सब चीजें से और फिर क्या होता है उसी से फिर कहानी आगे बढ़ेगा है ना हो सकता है यहाँ पे अभी या तो क्या होगा यहाँ से दो रास्ते और जाता है या तो हीरोइन साथ हो जाती है शादी कर लेता है या फिर हीरोइन मना कर देते थप्पड़ मार के भगा देते तो यही स्टोरी भी ऐसे ही चल रहा है ना एक पॉइंट पहुंचता है उसके बाद कुछ डिसीजन लेता है या फिर कुछ एक्शन होता है और फिर कहानी आगे चलते रहता है घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई घटनाएं जो हम पहले संज्ञा बात किया था घटनाएं जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ और जो सीक्वेंस में चलता है ना ओके ठीक है अब एक इस पे बात करें कि कहानी होता क्या है ना लेकिन उससे पहले हाँ एक जो कई बार क्या होता है हम लोग कहानी जो बनाता है उसमें हम कॉमन सेंस भूल जाता है जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ये किसी किताब में मैंने पढ़ा था एक स्टोरी है कि एक आदमी है उसको एक मैजिक कप मिलता है ठीक है मैजिक कप उस कप में अगर वो अपना आंसू डाल देता है टीयर्स तो वो टीयर्स पर्ल बन जाता है मोती मोती जानते हैं ना हाँ तो ठीक है मोती चाहिए ना खूब पैसा आएगा तो ठीक है तो धीरे धीरे ठीक है वो रोता है थोड़े टाइम बाद अब रोना बंद कर देगा तो लास्ट में क्या करता है वो अपना बीवी को मार देता है ताकि रो सके और पर्ल्स बना सके ठीक है लेकिन क्या उसको ये करने का जरूरत था नहीं नहीं क्या कर सकता था सोचो सोचो हाँ क्या समझा नहीं क्या जिंदगी आग में अरे यार ऐसे क्यों हाँ एक्जेक्टली है ना प्याज काट के सूख लेगा एकदम रोज मोती मोती बना देगा ना तो कहानी बनाते ये सब भी सोचना चाहिए थोड़ा कॉमन सेंस वाला बात है ना और एक ऐसे एग्जांपल है जैसे कि एक थ्री इडियट्स मूवी देखा किसी ने उसमें याद है वो पेन वाला बात करता है है ना कि ये स्पेस पेन बनाया है इतना रिसर्च करके इतना खर्चा करके तो वो क्या बोलता आमिर खान जी सर पेंसिल क्यों नहीं यूज किया है ना इतना पैसा खर्च करने का क्या जरूरत है ना वैसे ही आप जो पुराना मूवीज देखते हैं उसमें क्या होता है कई जैसे होता है कि हीरो हीरोइन हीरो इस जगह पे पहुंच गया हीरोइन इस जगह पे पहुंच गए दोनों को अब पता नहीं क्या होगा और फिर कुछ ट्रेजेडी हो जाता है वैसा कहानी आजकल के टाइम में नहीं हो सकता है क्यों
रवाना बदल गया और क्योंकि सेल फोन्स है हमारे पास है ना, तो ये सब कहानी बनाते दिमाग में रखना है, पुराना टाइप और वही जैसे तुम बोला जमाना चेंज हो रहा है, तो हर कहानी एक तरह से अच्छा कहानी अपने जमाने के बारे में बताता है ना, यानी अभी भी आप राजा रानियों के बारे में कहानी लिख सकता है लेकिन वो अच्छे इतना कहानी अच्छा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उनके बारे में बहुत कहानी लिख गया, आपको अपने समय का कहानी लिखना चाहिए ठीक। ओके तो कहानी क्या होता है, थोड़ा काम पे आप काम पे बात कराते हैं, कैरेक्टर सेटिंग और प्लॉट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कैरेक्टर क्या होता है, चरित्र, किसी भी आदमी या लोग का अभिनय, वो किसी कहानी या फिर नाटक में है ना ठीक है, वो लोग क्या करता है कहानी इन्हीं के थ्रू चलता है ना आगे, ये आपको कहानी अगर कैरेक्टर नहीं होगा तो फिर कहानी किस चीज के बारे में होगा, यानी वैसा भी कहानी कुछ लोग एक्सपेरिमेंट करता है जिस कहानी में कैरेक्टर ही ना हो, लेकिन वो सब पे हम नहीं बात करेगा ठीक है, आप बेसिक कहानी कैरेक्टर ठीक है। कैरेक्टर बेसिकली बोलता है लोग दो तरह का होता है, फ्लैट और राउंड। सिंपल कहानियों में कैरेक्टर फ्लैट होता है, यानी कि फ्लैट का मतलब क्या होता है, हाँ टू डायमेंशनल ना, टू डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल बात किया था याद है क्या होता है, डायमेंशन ये होता है एक्स और वाई, लेंथ और ब्रेथ, और इसमें क्या है लेंथ है ब्रेथ है और हाइट, ये वाला भी है ना अंदर डेप्थ है ठीक है। तो फ्लैट यानी कि ऐसा कैरेक्टर जो एक जैसा ही रहता है, सिंपल कहानी में होता है ना कि एक जो विलन है वो हमेशा विलन ही रहता है और जो हीरो है वो हमेशा अच्छा ही रहता है ना, लेकिन जो अब आप जो खासकर आप आजकल मॉडर्न कहानी में देखता है या फिल्मों में देखता है राउंड कैरेक्टर, उसका बहुत सारा यानी हीरो भी होता है, हीरो भी जरूरी नहीं है बिल्कुल प्योर अच्छा ही है, उसके अंदर थोड़ा अलग अलग चीजें भी होता है, थोड़ा वो बुरा भी होता है और वो डेवलप होता है कहानी की शुरुआत में, हो सकता है वो अच्छा हो कहानी के अंत में, हो सकता है वो विलेन टाइप का बन जाए या फिर उल्टा हो सकता है, जैसे एक फिल्म का बदलापुर आया था उसमें क्या होता है कहानी के शुरुआत में, अच्छा देखा है हाँ कहानी के शुरुआत में जो हीरो होता है वो अच्छा होता है, एंड में वो विलेन बन जाता है और विलेन जो है अच्छा बन जाता है, तो ऐसे टाइप का कैरेक्टर होता है राउंड कैरेक्टर जो डेवलप होता है ना। फ्लैट कैरेक्टर हमेशा एक तरह का ही रहता है पूरा कहानी में ठीक है, तो जो सिंपल जो ज्यादातर बच्चों का कहानी आप जो पढ़ता है उसमें फ्लैट कैरेक्टर्स आपको मिलता है ना, राजा होता है जो राजा हमेशा अच्छा ही रहता है या फिर बुरा ही रहता है ना, तो राउंड कैरेक्टर जो डेवलप होता है। ओके उसके अलावा और क्या क्या कैरेक्टर्स है, जैसे बैकग्राउंड कैरेक्टर्स होता है ना, जैसे क्राउड में जो बस एक दो लाइन बोलता है उस टाइप का कैरेक्टर होता है, हीरो होता है विलेन होता है हीरोइन होते हैं और क्या होता है एक कॉमेडियन होता है ना जो साइड के जो कॉमिक हास्य कैरेक्टर होता है ठीक है। तो कैरेक्टर तो सिंपल है ये चीज आप समझ गए, सेटिंग क्या होता है, सेटिंग अच्छा डिक्शनरी नहीं लाया ना, सेटिंग बेसिकली जो कहानी किस जगह में और किस टाइम में है ना, मॉडर्न टाइम में है कि राजा रानी के टाइम पर है कि फ्यूचर में है सेट, और किस जगह में है, इंडिया में है अमेरिका में है या कोई इमेजिनरी जगह में है ना, तो ये सेटिंग समझ गए, टाइम एंड प्लेस बेसिकली किस जगह में है और किस समय में है ये सेटिंग। ओके फाइनली प्लॉट, प्लॉट क्या होता है कहानी का जो
सबसे जो जरूरी घटनाएं होती है और वो कैसे आगे बढ़ती है, जैसे कि कहानी में बहुत कुछ होता है ना। जैसे रामायण, रामायण सबको पता है स्टोरी, उसका एग्जांपल लेता है, रामायण में बहुत कुछ होता है ना, लेकिन मेन मेन चीजें क्या होता है? हाँ, सबसे पहले राम को उसका वनवास में जाना पड़ता है ना, तो 1 point वो हो गया वनवास। उसके बाद रावण आके सीता को ले जाता है, ठीक है, 3rd point। फिर राम से ठीक है, तो फिर राम और ये समुद्र पार करके लड़ाई होता है, ठीक है, फाइनली रावण मर जाता है और फाइनली सीधा राम मिल जाता है। तो ये प्लॉट हुआ रामायण में, इसके बीच में बहुत कुछ होता है ना, है ना, वो उस कहानी का पार्ट है, यहाँ पे बहुत कुछ होता है बीच में, लेकिन मेन मेन जो कहानी A to point B, शुरुआत से लेकर अंत कैसे पहुंचा है, और सब इसी की वजह से होता है ना, अगर 1 नहीं होता तो 2 नहीं होता, 2 नहीं होता तो 3 नहीं होता। जैसे अगर राम सीता वनवास पे नहीं जाते तो रावण उसको सीता को नहीं ले पाता, अब अगर सीता को वो नहीं लेता तो राम और रावण लड़ते नहीं, और अगर राम और रावण लड़ते नहीं तो राम जीतता नहीं, रावण मरता नहीं, तो इसको प्लॉट बोलता है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कहानी का, घटना में इम्पोर्टेंट जो घटना है जो कहानी को बनाता है वो प्लॉट हुआ, ठीक है। ए टू बी कहानी शुरुआत से अंत तक कैसे पहुंचता है, 1, 2, 3, 4, 5, उसके बीच में बहुत कुछ होता है ना, वो डिटेल्स है, वो कहानी को और अच्छा बनाता है, आपको बताता है कि राम के दिमाग में क्या चल रहा था, सीता को कैसा लग रहा था, वो सब कहानी को और अच्छा बनाता है, लेकिन मेन पॉइंट जो है वो प्लॉट। ओके, तो कोई भी जो कहानी, आप लोग भी कहानी बनाएगा तो सबसे पहले क्या हुआ, ये 3 चीजों पे ध्यान रखो, ठीक है, सेटिंग क्या होना चाहिए, कितना कैरेक्टर होना चाहिए और प्लॉट क्या है, ये 3 चीजें आपने बना लिया तो उसके बाद कहानी बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है। हाँ, इसमें बाहर आ रहा है तो प्लॉट, हाँ, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट को मीनिंग क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट, समस्या, प्रॉब्लम, हर कहानी में एक आप देखा होगा एक मेन प्रॉब्लम, और भी कई छोटा छोटा प्रॉब्लम आता है लेकिन एक मेन प्रॉब्लम आता है, जैसे राम को रामायण का एग्जांपल देता है, फिर से कहानी में बहुत सारा प्रॉब्लम है, बहुत सारा उसको कष्ट होता है, ये सब होता है, वनवास हो गया है, ये सब हो गया है, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या होता है रामायण में, सीता को ले गया रावण, है ना, तो मेन कॉन्फ्लिक्ट ये हुआ है ना, और रेजोल्यूशन यानी कि कहानी एंड में कैसे सॉल्व होता है, तो रामायण में रेजोल्यूशन क्या होता है, राम रावण को मार देता है, तो कहानी सॉल्व हो गया, तो ये होता है प्लॉट का मेन प्रॉब्लम क्या है, कॉन्फ्लिक्ट, और वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाता है, उसको रेजोल्यूशन बोलता है, ठीक है। तो कहानी को आप एक तरह से 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ना, शुरुआत, मिडल, एंड। स्टार्टिंग में क्या करता है, आप स्टार्टिंग में आप सेटिंग और कैरेक्टर बता देता है कि ये कहानी इस जगह में सेट है, इस टाइम में सेट है, और ये कैरेक्टर आप इंट्रोड्यूस करता है कि राम है, सीता है, लक्ष्मण है, भरत है, उनका फादर है, ये सब है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे फिर क्या है, कहानी आगे बढ़ रहा, आगे बढ़ रहा, आगे बढ़ रहा, ऐसे नहीं, ऐसे बढ़ रहा है, फिर क्या होता है धीरे धीरे यहाँ पे, ठीक है, वनवास आ गया, वहां से फिर कहानी एक्चुअल ऊपर चलने लग गया ना, धीरे धीरे एक्शन बढ़ रहा है, और फाइनली क्लाइमैक्स में क्या होता है, तो एक तरह से कहानी ऐसे चलती है, यहाँ से शुरुआत हुआ, यहाँ पे आपने इंट्रोडक्शन दिया है कैरेक्टर और सेटिंग का, फिर आगे प्लॉट बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आ गया वनवास, यहाँ से फिर असली कहानी शुरू हो रहा है रामायण का, है ना, और यहाँ पे मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या हो जाता है, रावण सीता को ले जाता है, जो कॉन्फ्लिक्ट, मेन कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे सीता रावण सीता को ले गया है ना, यहाँ तक चल रहा है, उसके बाद अब वहां से फिर वापस कहानी खत्म होने लग जाता है ना, यहाँ से बढ़ रहा है ऊपर, वहां से खत्म होने लग जाता है, खत्म होते होते क्या होता है, हनुमान आ जाता है, युद्ध होता है, फाइनली
और फाइनली यहाँ पे आके कहानी यहाँ पे युद्ध खत्म हो गया। तो फिर से अब एक्शन जो इतना आपने दिखाया एक्शन यहाँ से वनवास से लेकर युद्ध तक अब एक्शन खत्म हो गया। उसके बाद अब धीरे धीरे क्या हुआ, राम और सीता वापस मिल गया है, वो लोग वापस अयोध्या चले जाता है और यहाँ पे कहानी हैप्पी एंडिंग रिजॉल्व हो गया है ना, खत्म हो गया कहानी। एंडिंग हैप्पी हो सकता है, सैड भी हो सकता है, मिडल भी हो सकता है ना, वो सब आपका चॉइस है। ओके और कहानी के भी भाई कई तरह होते हैं, जैसे कहानी को आप आगे बढ़ा सकते हैं या तो जो मेन कैरेक्टर है उसके चॉइसेस से, जैसे मैंने बताया था ना यहाँ पे ये रास्ता है तो राम ने या कुछ और नाम बोलते हैं जॉन, जॉन लेफ्ट जा रहा है राइट जा रहा है उससे कहानी आगे बढ़ेगा कैसे बढ़ेगा है ना। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे आप तरीके से कर सकते हैं कि किस्मत से कुछ हो जाता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है तो क्या है जॉन इस रास्ते में जा ही नहीं सकता है, उसको यही रास्ता जाना पड़ेगा है ना। तो ये सब कहानी का बहुत इमेजिनेशन से आप कुछ भी कहानी बना सकते हैं ना, एक तरह से कुछ भी रूल नहीं है। ये भी जो मैं आपको बताया है इन सब रूल्स को आप हटा के अपना कहानी बना सकता है ना, ये बस थोड़ा आपको बताने के लिए कि ऐसे कहानी सिंपल बन सकता है। ओके ठीक है, लास्ट एक दो पॉइंट करेगा उसके बाद फिर साहित्य लिटरेचर। लिटरेचर क्या होता है, साहित्य आप लोग पढ़ रहे हैं एमआईएल ये सब काफी समय से, क्या होता है लिटरेचर? मॉरल होता है। ओके ऑल राइट, हमेशा होता है हाँ नहीं, जो आप लोग सही बोल रहे हैं जिस तरह का साहित्य आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं उसमें मॉरल होता है क्योंकि आप लोग अभी बच्चा है तो आप लोग को उसी तरह का स्टोरीज पढ़ाया जाता है। नॉर्मल स्टोरी और लिटरेचर में क्या अंतर है? जैसे हरी तामना गया वहां पे वो खाया पकोड़ा आलू चॉप खाया और वापस आ गया, ये भी कहानी है लेकिन ये साहित्य क्यों नहीं है? ओके गुड गुड हाँ ठीक बोल रहे हो। तो लिटरेचर बेसिकली हम संज्ञा लिटरेचर को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है लेकिन एक कहानी है जैसे तुम बोला कि उसमें से कुछ सीख सकता है या फिर कुछ वैल्यू, वैल्यू क्या है कुछ आप मूल्य लेता है कुछ सीखता है या तो वो कहानी किस टाइम एंड प्लेस किस समय और तो वो जो कहानी अपने समय और अपनी जगह के बारे में आपको कुछ इम्पोर्टेंट बता रहा है या फिर मनुष्य के एक्सपीरियंस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बता रहा है उसको हम लिटरेचर मानते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं कोई कहानी लिख रहा है फालतू सा और रविंद्रनाथ टैगोर कुछ महान कहानी लिखा है तो उसका डिफरेंस है कि टैगोर का कहानी पढ़ के आप 19th सेंचुरी बंगाल के बारे में जान सकता है, आपको पता लग जाएगा कि उस समय में लोग क्या सोचता था किस तरह से जीवन जीता था इसलिए वो साहित्य है। या फिर वो सब भी छोड़ो, आप टैगोर का कहानी पढ़ के समझ सकते हैं कि हमेशा से मनुष्य को जो लव में या फिर जो गुस्सा में उनको कैसा अंदर फीलिंग लगता है वो आप उनका कहानी पढ़ के समझ सकता है इसलिए वो साहित्य है। सिंपल ठीक है, तो लास्ट एक तो हाँ जैसे मैं बोल रहा था कि पहले क्या होता था कहानी ओरल ऐसे पास हो रहा है तो तब क्या था और धीरे धीरे फिर ठीक है बुक्स भी प्रिंट, ये पहले का बुक्स क्या होता था पत्ते में बनता था या फिर कॉपर ताम्र उसमें बनता था ना, तो ऐसे में क्या है कॉपीज बनाना बहुत मुश्किल है। आजकल तो हम लोग क्या करते हैं प्रिंट कर लेता है फोटो कॉपी कर लेता है स्कैन कर लेता है, उस समय क्या होता था अब एक कॉपी एक ही रहेगा तो जो बुक्स है वो बस अमीर लोगों के पास हो सकता था या फिर ब्राह्मण टाइप का लोग जो है ना जो अपर क्लास है। सबसे बड़ा रेवोल्यूशन फिर कहाँ से आया अराउंड 1500s में या फिर उससे पहले चाइना वगैरह में पहले पेपर बन गया था प्रिंटिंग हो रहा था लेकिन यूरोप में अराउंड 1450 में गुटेनबर्ग नाम का आदमी, नाम सुना है? ठीक है गुटेनबर्ग GUTENBERG ये वहां पे प्रिंटिंग प्रेस शुरू हो गया था। उसके बाद क्या हो गया एकदम से कहानियां छपने लग गया यानी गरीब से गरीब आदमी भी कुछ सस्ते में कहानी पढ़ सकता है ना, तो वहां से डेमोक्रेटिक हो गया कहानी नॉलेज सबके पास हो गया। पहले यानी अभी हम इतना आसानी से देखो ये सब आप लिख रहा है पहले जमाने में यानी ये चीज
इम्पॉसिबल था, यानी किसी बुक का कॉपी लेना बस राजा महाराजा अमीर से अमीर लोग ही कर सकता था, है ना। ठीक है, लास्ट क्या है, ठीक है। हाँ, तो जैसा आप बोल रहा था कि कोई भी जो महान साहित्य होता है, कहानी, अच्छी कहानी अपने समय और जगह के बारे में आपको कुछ बताता है, और वैसे ही कई जो महान साहित्य होता है वो अपने संस्कृति सोसाइटी को इन्फ्लुएंस भी करता है वापस, समझ रहे। जैसे कल को आप कुछ महान कहानी लिख देता है किसी चीज के बारे में, कि जैसे सुपरस्टिशन जो आप लोग बोलते हैं, सुपरस्टिशन समझ रहे, उसके अगेंस्ट कुछ आप लिखता है। जैसे राजा राम मोहन रॉय, रविन्द्रनाथ टैगोर वगैरह, ये लोग सती का बार बार एग्जाम्पल देते, उसके अगेंस्ट लिखा था, तो एक तरह से उनके राइटिंग की वजह से एक रोल वो बैन हुआ है वो चीज। तो जरूरी नहीं है कि बस साहित्य रियलिटी साहित्य पर, साहित्य भी महान कुछ आप लिखता है जो सच हो वो भी वापस रियलिटी को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, तो आई थिंक दैट्स इट। और ठीक है, कोई क्वेश्चंस आपको, उसके बाद फिर मैं बोलेगा कि क्या आगे क्या करना है। कहानी समझ गया है, लिख सकता है कहानी, ठीक है। तो आपको मैं फाइनली जो आपका जो लास्ट जो है, ये याद है हम फर्स्ट क्लास में बात किया था, और क्षति कर तो ये आपका थीम है, मैं चाहता हूँ इस पे आप लोग कुछ स्टोरी बनाइए, और ऐसा स्टोरी प्ले के रूप में जिसको आप एक्ट कर सकता है, ठीक कर सकता है। ये 1 वीक का टाइम है, उसके बाद मैं 21st को जा रहा हूँ, तो 20th फ्राइडे, अभी आज 13th है, 20th को आप लोग, मैं चाहूँगा आप परफॉर्म करें ये चीज़, पब्लिक में नहीं करेगा, हम लोग आपस में एक रिहर्सल करेगा, उसके बाद मैं रिकॉर्ड करेगा, और उसके बाद आप लोग को हेल्प करें इंप्रूव करें, उसके बाद अगर आप चाहते तो स्कूल में के सामने परफॉर्म कर सकता है, लेकिन पहले बस आप मेरे लिए परफॉर्म करेंगे, है ना। मैं उसमें आप लोग को एक और टिप्स देगा कैसे इंप्रूव कर सकता है, और उड़िया में, ठीक है, उड़िया में ये थीम है। थोड़ा आपको मैं समझा दिया, प्लॉट क्या होता है, प्लॉट क्या होता है समझ गए, सेटिंग क्या होता है, प्लॉट क्या होता है, मेन जो इम्पोर्टेंट घटना है कहानी, शुरुआत से अंत तक कैसे पहुंचता है, और कैरेक्टर। तो जरूरी नहीं है बहुत सारा कैरेक्टर, आप सबको कौन कौन एक्टिंग करना चाहता है, हाँ तुमको करेगा, और बोलो, शिलू, चलो हाँ दो, और सिमाद्री, ओके थ्री, और ठीक है आप लोग आपस में डिसाइड करो। सबसे पहले तो हाँ, इतना आप लोग पहले क्लियर कर लो कौन कौन इस चीज में पार्ट लेना चाह रहे हैं, कोई वो नहीं, अगर किसी को नहीं करना है आप बोल दो अभी, ठीक है, सब करना चाहते हैं ये चीज, तो जरूरी नहीं है सबको एक्टिंग करना है, कुछ लोग आप लोग डिसाइड करो, जो लोग कहानी स्टोरी अच्छा लिख सकता है, जैसे मैं जानता है तुम अच्छा स्टोरी लिख सकता है, तो आप लोग स्टोरी राइटिंग टीम करो, जैसे शर्मानी का बुक के लिए कर रहा है, कोई लोग ड्रॉइंग कर रहा है, कोई लोग ट्रांसलेट कर रहा है, कोई लोग स्टोरी लिख रहा है, तो कुछ लोग बैठ के स्टोरी लिखिए,
कुछ लोग एक्टिंग कीजिए, कुछ लोग डायरेक्शन में अच्छा है कि नहीं नहीं ऐसे एक्टिंग अच्छा है, डायरेक्टर समझता है निर्देशन, और जिसका मन है वो सब कुछ भी कर सकता है, स्टोरी भी लिख सकता है, निर्देशन एक्टिंग भी कर सकता है, तो वो लोग सब आपके फ्रीडम है। यानी मैं 10 चैप्टर्स आप लोग के साथ कर लिया है, पूरा टाइम मैं यही बोल रहा है कि फ्रीडम होना चाहिए, आप लोग खुद से, आप लोग बड़ा लोग है, खुद से कर सकता है। तो इसमें मैं, अगर आपको लगता है कुछ आपने मेरे से डिस्कस करना चाहता है तो एक हफ्ता मैं यही है, लेकिन कुछ मार्क्स नहीं है, कुछ वो नहीं, अच्छा बुरा का कुछ नहीं, मैं बस चाहता हूँ आप लोग अपने तरफ से कीजिए, उड़िया में एक स्टोरी बनाइए और उसको प्ले के रूप में कीजिए, उसका हम रिकॉर्ड करेंगे, और अगर वो आपको धीरे धीरे मैं आप थोड़ा इम्प्रूव भी कराएगा, वो फिर आप लोग स्कूल के सामने भी परफॉर्म कर सकता है ना। तो एज अ मैं 21st को चला जाएगा, तो और नहीं तो यानी फेयरवेल गिफ्ट आप मेरे को ये दे दो, आप ये प्लीज कोशिश कीजिए, ठीक है, एक आप लोग परफॉर्मेंस दीजिए, ज़्यादा लंबा होना नहीं, जो आपका मर्जी है, 10 मिनट का करना है, 15 मिनट का करना है, हाफ एन आवर का करना है, थीम ये होना चाहिए, डोंट वरी डोंट हार्म बी ट्रू बी हैप्पी। तो पहले तो आप क्या करेगा, प्लॉट, और ये तीन चीज़ें देखेगा कि कहानी कैसे बन रहा है, ए टू बी यानी कितना कैरेक्टर्स है, ए बी सी थ्री तीन चार दोस्त है या फिर एक फैमिली है, किस तरह का सेटिंग है, प्लॉट क्या होता है, और उस प्लॉट में ये चीज़ें कैसे आप इनको कैसे दर्शाएगा, तो प्लॉट आपने बना दिया, ये होता है, उसके बाद एक मेन कॉन्फ्लिक्ट के कुछ प्रॉब्लम आता है, उसको प्रॉब्लम को रिजॉल्व, एंडिंग क्या होगा, एक बार आपको ये स्टोरी बन गया, फिर आप डायलॉग लिखना शुरू करेगा कि स्टोरी को अब प्ले में कैसे बनाना है ना, प्ले और स्टोरी में क्या अंतर है, स्टोरी आप लोग पढ़ता है, प्ले आप लोग देखता है, परफॉर्मेंस होता है, प्ले परफॉर्मेंस है ना, तो आप लोग खुद से अपना टीम्स डिसाइड कीजिए, कौन स्टोरी लिखेगा, कौन निर्देशन डायरेक्शन करेगा, कौन स्टोरी को प्ले बनाएगा, कौन एक्टिंग करेगा, क्या एक्टिंग करेगा, क्या रोल करेगा, वो लोग आप पे है, ठीक है, और आप लोग सब जानते हैं एक दूसरे को ना, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो रोज यानी आप लोग ये अभी आजकल इवनिंग क्लास का तो टाइम है ना, और नहीं तो रोज एक घंटा तो आप लोग के पास है ये डिस्कस करने का, तो मैं भी अगर आप लोग जहाँ पे भी रिहर्सल करना चाहते हैं आप बताइए, कल्पना धाम में या फिर यहाँ पे काम होता है तो कल्पना धाम में आप लोग कर सकते हैं या फिर कहीं पे भी कर सकते हैं, मेरे को आप बता दो, मैं भी अगर आप चाहते हैं तो एक दो दिन फर्स्ट एक दो दिन मैं भी आ जाऊँगा आपको हेल्प करने, बट अदरवाइज मेनली आप लोग को खुद ही करना है, ठीक है, नहीं तो क्लासरूम्स एम्प्टी होता है ना आजकल, कहाँ पे फ्री स्पेस कहाँ होता है आप लोगों के पास, यहाँ पे ओके ठीक है, वील डू इट हियर, ओके, तो एक दो दिन में आएगा आपके पास, लेकिन मेन ये चीज मैं ज्यादा मदद आप लोग खुद करेगा, ठीक है, ऑलराइट, 20 आज 13 है, टुडे इज व्हाट, फ्राइडे, नहीं आज फ्राइडे, फ्राइडे ना, सो नेक्स्ट फ्राइडे 20th, हां ऑलराइट, ओके ठीक है, एंड कोई वो डरने से वो चिंता का बात नहीं है, दिस इज नॉट अ टेस्ट, पहली बार बस मैं और शायद शर्मानी ही देखेंगे बैठ गया ना, उसके बाद फिर आपको थोड़ा मैं टिप्स देगा कि और अच्छा क्या है, उसके बाद आपका ऑप्शन है आप स्कूल के सामने परफॉर्म करना चाहते हैं कि नहीं, लेकिन एक रिकॉर्डिंग जरूर करेगा और वो यूट्यूब पे डालेगा, आप लोग खुद भी कभी देख सकता है जब आपका मन करेगा ना, और बाकी कॉस्टिंग वॉस्टिंग अगर आप लोग कुछ करना है आपका चॉइस है, ज़्यादा बजट तो नहीं है हमारे पास, जैसा आप लोगों को करना है आपका मर्जी है किस तरह से करना है, मेन सेटिंग कैरेक्टर प्लॉट आप लोग डिसाइड करो, ठीक है, रोज आपके पास एक घंटे का तो टाइम है ही आजकल है ना, शर्मानी का भी वो आजकल वो नहीं उसका काम हो गया है, तो ये आप लोग करें, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके ठीक है, तो ये बेसिकली आपका लास्ट क्लास था, ठीक है मेरे साथ, अब लास्ट जो फाइनल वो होगा वो आप लोग करेगा, ओके ऑलराइट।